रेस्क्यू टीम घटनास्थले पहोंची बचाव कार्य शुरू कर्यो। हालमां जेसीबी मदथी खोदकाम करीने बाळकने बहार काढवानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। खरेखर माणिका गाम पासे एक बोरवेल खुल्लो छे। 6 वर्षनो मयंक रमता रमता मैदान में आ खुला बोरवेलमां पड्यो। लांबा समय सुधी मयंक न मळता परिवारजनोए पोलीसने जाण करी हती। परिवारजनोए जणाव्युं के मयंक राबेता मुजब खेतरो पासे रमी रह्यो हतो। जाणवा मळ्युं छे के मयंक खेतरनी नजीक 60 फूट ऊंडा बोरवेल पासे पड्यो हतो। त्यारबाद रेस्क्यू टीम घटनास्थले पहोंची अने बाळकने बहार काढवानो प्रयास करी रही हती। जनेह थाना अंतर्गत मनिका गांव पड़ता है, जहां हीरामणि मिश्रा जी का खेत है। उस खेत में एक बोर हुआ है जो 6 सेंटीमीटर डायग्राम का था। उसमें उनने बोरी रखी थी बंद करके, लेकिन उसी बोर में एक वहीं का लड़का, स्थानीय लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 5 साल है, मयूर कोल, ये अपने अन्य बच्चों के साथ में जो फसल थी उसमें गेहूं की थी, उसको काटा गया था। तो उस फसल से कटाई के समय कुछ गेहूं पड़े हुए थे, जो बच्चे बीन रहे थे उस गेहूं को। तो मयूर भी वहाँ पे गेहूं बीन रहा था और वो बोरवेल के उस गड्ढे में बोरी के अंदर चला गया। बाकी बच्चे कुछ प्रयास किए, फिर उनने जाके घर में बताया और घर वालों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी, SDM, SDOP मौके पर पहुंच गए और ये घटना करीब दोपहर 3:30 बजे के आसपास की है। समय पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा, कलेक्टर महोदय रीवा और CO जिला पंचायत, SDM सभी लोग वहाँ, प्रशासनिक अधिकारी मौके पे हैं। रेस्क्यू का काम चल रहा है, उसमें 2 JCB जो है रेस्क्यू के लिए लगी हुई है, कैमरे वालों की टीम लगी हुई है, SDRF भी पहुँच गई है जो रेस्क्यू कर रही है, जल निगम के लोग भी पहुँच गए हैं और NDRF की टीम बनारस से रवाना हो गई, कुछ देर में वो भी पहुँच जाएंगे। और पैलर उसी के जो गड्ढा है, बोरवेल है, उसी के पैलर जो है खुदाई चल रही है। और चूंकि अभी बीच में थोड़ा सा पानी का रुख था, बरसात हो रही थी थोड़ी, तो उसकी वजह से और जो बालियां थी खेत कटाई की वो बोरवेल में थी, तो कुछ कैमरे को डिस्टर्ब है सही लोकेशन पता करने में, उस पर काम चल रहा है और शीघ्र